आज ही बड़ा सवाल उठा कि शिक्षक है ही नहीं, आपने विद्यालय बना दिए तो पढ़ाई कहाँ करेंगे लोग। जासिदी बहाल कीजिए, इस सवाल को उठाया भी गया है, दूसरे लोगों ने उठाया और हम लोग भी उठाएंगे। कोई मजबूरी नहीं है, जनता का सवाल अगर हम लोग नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। राजधानी पटना का गर्दनी बाग धरना स्थल आप जानते होंगे। देखिए एक तस्वीर पहले हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से अलग अलग अपनी मांगों को लेकर पटना के गर्दनी बाग में तमाम लोग पहुंच गए हैं और भीड़ देखिए, ये भीड़ और सरकार के विरोध में ये आवाज़ उठाने के लिए पहुंच गए हैं। भाकपा माले के विधायक महबूब आलम भी पहुंचे हैं और टीईटी एसटीईटी और तमाम जितने भी अभ्यर्थी हैं, शिक्षक हैं, उनसे मिलने के लिए महबूब आलम पहुँच गए हैं। देखिए टीईटी एसटीईटी शिक्षकों से मिलने के लिए महबूब आलम पहुंच गए हैं। भाकपा माले हमेशा शिक्षक अभ्यर्थी कहे या फिर शिक्षकों की आवाज़ उठाता है, आज आप भी पहुंच गए हैं, क्या कुछ दिक्कत उन लोगों को आपने सुना? अरे टीईटी या सीटीईटी या जितने भी शिक्षक है, सरकार की इच्छा शक्ति होना चाहिए, इन लोगों को बहाल कर देना चाहिए। आज ही बड़ा सवाल उठा कि शिक्षक है ही नहीं, आपने विद्यालय बना दिए तो पढ़ाई कहाँ करेंगे लोग। इसलिए तमाम बाधाओं को दूर करके इन शिक्षकों को आप बहाल कर दीजिए, कोई आनाकानी नहीं, सीधा सीधी बहाल कीजिए। इस सवाल को उठाया भी गया है, दूसरे लोगों ने उठाया और हम लोग भी उठाएंगे, भाकपा माले वाले उठाएंगे, सीपीआईएम के हमारे साथी अजय जी, हम लोग लाल झंडा वाले इसको उठाएंगे। इस मामले में हम लोग ज़्यादा संवेदनशील है, ज़्यादा चौकस है कि ये मेहनत कश लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं। अब मजदूर ही वर्ग है, अब बुद्धिजीवी रहे नहीं ये लोग, समझे मुझे, तो इन लोगों का समायोजन बहुत जल्दी कर देना चाहिए कि शिक्षकों की कमी से जूझ रही है शिक्षा व्यवस्था। क्या महागठबंधन सरकार इन शिक्षकों की या शिक्षक अभ्यर्थियों की बात को कहीं ना कहीं अनसुनी कर रहा है? अनसुनी अभी नहीं कर रहे हैं, अभी जांच पड़ताल कर रहा है, मूल्यांकन वगैरह कर रहा है, यही बात है। अभी मंत्री से मिलेंगे महबूब? हाँ बिल्कुल मिलेंगे, बात करेंगे और आपको आवाज़ सुनाई देगी, आपको जाएगा और फिर सरकार से सीधा सवाल भी हम लोग करते हैं। कोई मजबूरी नहीं है, जनता का सवाल अगर हम लोग नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा, और उसमें भी नौजवान जो बेरोजगार है उनके सवाल को उठाने का उठाते रहते हैं। शिक्षा मंत्री देना चाहेंगे टीईटी या सीटेट या बीटेट या जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी या शिक्षक के बिहार में, उनके लिए अभी ज्वाइंट एक मीटिंग होने वाली है गवर्नमेंट की तरफ से, उस मीटिंग में मुख्यमंत्री जी से हम लोग सीधा सवाल करेंगे। तस्वीरें साफ है, ये देखिए ये पटना की गर्दनी बाग की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दूर दूर तक जितने भी शिक्षक हैं, टीईटी एसटीईटी या फिर एनआईओएस के जितने भी शिक्षक हैं, वो पटना में हैं, पटना में धरना दे रहे हैं या अलग अलग मुद्दों पर, खासतौर पर महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची है और भाकपा माले के विधायक महबूब आलम भी पहुंचे हैं। कल ही संदीप सौरभ भी पहुंचे थे पटना के गर्दनी बाग में और कह रहे कि शिक्षा मंत्री से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे और इनकी बातों को विधानसभा में भी उठाया जाएगा। तो अब देखना है कि जब टीईटी और एस्टेट के अब शिक्षक पटना में धरना दे रहे हैं तो कब तक इनकी बातों को विधानसभा में उठाया जाता है और कब तक उनकी मांगों को सरकार पूरा करती है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही, अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। सहयोगी प्रकाश के साथ रोहित वर्मा, लाइव सीरीज पटना।